हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, मेरे पास आज एक मोबाइल आया है। ये सैमसंग का गैलेक्सी A70 है मोबाइल। तो इसका इसमें लगा हुआ है लॉक। देखिए, इसमें लॉक कोई सा भी एक टू मारने से यहाँ पे सेकंड बताता है। तो इसमें लगा हुआ है लॉक। इसका हार्ड रिसेट कैसे करेंगे, यही चीज़ दिखाने के लिए मैं वीडियो कर रहा हूँ। आप वीडियो पे बने रहिए दोस्तों। ये कैसे पता है, मैं दिखाने के लिए वीडियो कर रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर लाइक जरूर करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूरी रहिए। तो मैं ये सब लेटेस्ट वीडियो इस चैनल पर लाता रहूँगा। तो दोस्तों देखिए, मुझे यहाँ पे ये देखिए, मैं पहले पावर की प्रेस किया, उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं पावर बंद करूँगा तो ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे लॉक बताएगा। तो दोस्तों इसका कोई दूसरा सोल्यूशन है तो उससे पहले आपको एक डाटा केबल लेना है जो सिस्टम से कनेक्ट हो। चार्जिंग पे लगाने से नहीं होगा। तो आपको सिस्टम पे कनेक्ट करके ये डाटा केबल मोबाइल पे लगा देना है। तो देखिए मैं लगा दिया, यहाँ पे चार्जिंग हो रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पे ये पावर बटन है और ये डाउन बटन, ये अप बटन। तो मुझे पावर बटन, देखिए मैं एक बार ऑन कर लेता हूँ। देखिए पावर बटन और डाउन बटन दोनों को एक साथ में प्रेस करना है। देखिए प्रेस करना है तो ऑफ हो जाएगी। ऑफ हो जाने के बाद तुरंत आपको डाउन बटन छोड़ के अप बटन प्रेस करना है। तो देखिए मेरा एक बार में नहीं हुआ तो मैं दोबारा करता हूँ। तो मैंने अभी तक प्रेस करके रखा, देखिए ऑफ हो गया। तो मुझे डाउन बटन छोड़ के अप बटन प्रेस करके रखना है। तो देखिए ऑन हो जाएगी तो मुझे पावर की छोड़ देना है। तो अप बटन को नहीं छोड़ना है। तो मैं अप बटन अभी तक प्रेस करके रखा हूँ। देखिए ये आ गया। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकती हो ऑप्शन निकल के आ गया। तो मुझे डाउन बटन से क्लिक करके नीचे लेके यहाँ पे देखिए वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट, यहाँ पे पावर बटन एक बार प्रेस करना है। और डाउन बटन से मुझे नीचे लेके फैक्ट्री डाटा रिसेट, एक बार पावर बटन प्रेस करना है। तो देखिए ये नीचे लेगा। तो आप वीडियो पे बने रहिए और यहाँ पे आपको पावर बटन एक बार प्रेस करना है। तो मैं एक बार पावर बटन प्रेस कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल रख देता हूँ। अभी देखिए इस पर अभी थोड़ा टाइम लेगा तो आपको वाइट करना है दोस्तों। तो आपको वाइट कीजिए, यहाँ पे 10 मिनट टाइम लगता है। तो आप वाइट कीजिए दोस्तों, ये 100% होगा। आप इसमें कैसे होता है मैं दिखा दिया आप लोगों को। तो दोस्तों वीडियो तो बनी रही है, मैं इसका हार्ड डिस्क कैसे किया तो दिखा दिया दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना दोस्तों। आपका एक लाइक के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ऐसा लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत मिलने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं वीडियो थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ, इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी। तो लंबा का वजह से मैं आप लोगों को शॉर्टकट में दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो वीडियो को थोड़ा पॉज कर देता हूँ, जब यहाँ पे ऑफ ऑन हो जाएगी तो मैं आपको सेटअप करके दिखाऊंगा। और इसमें FR वगैरह होगा तो भी वीडियो करके आप लोगों को दिखा दूंगा। तो दोस्तों वीडियो पे आप बनी रहिए। कैसे होता है मैंने दिखा दिया, आप वीडियो पॉज करके भी देख सकती हो। आप अच्छा से देख लेना, उसके बाद आपको ये प्रोसेस करना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे स्टार्टिंग हो रहा है और थोड़ा सा टाइम दीजिए। यहाँ पे इंस्टॉलिंग एप्लीकेशन बोल रहा है तो हम थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे इंस्टॉलिंग 1 कंप्लीट हो गया। तो और देखिए वो कंप्लीट होने वाला है और एक प्रोसेस है। तो मोबाइल का थोड़ा ब्राइटनेस कम हो गया ऑटोमेटिक, तो आप वेट कीजिए, होने वाला है। तो देखिए ऑन हो गया, इससे ऑन करके तो देखिए अभी टास्क काम करने लगा है। तो दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट करना है। मोबाइल को अच्छा से रख लेता हूँ पहले। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए नेक्स्ट करना है मुझे। और नेक्स्ट करने के साथ साथ देखिए ये कुछ वाईफाई लगाने के लिए बोल रहा है, तो इसका मतलब है इस व्यापार पे लगा हुआ है। तो मैं ओके करता हूँ और यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। देखिए स्किप करने के साथ साथ यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन देने के लिए बोल रहा है क्योंकि यहाँ पे FRP लग गया। तो इसका FRP बाईपास करूंगा तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, ऐसे नहीं तो ऐसा बहुत लंबा वीडियो हो जाएगी। तो दोस्तों मैं दिखा दिया इसका हार्ड रिसेट कैसे होता है, तो कौन सा प्रोसेस में इसका हार्ड रिसेट होता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करके रखना। दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और इसका